सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सफारतखाने में खबर करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। लगता है आप दस्तावेजात ले आई हैं। ये बहुत आसान था। उस इंसान को बेवकूफ बनाने का रास्ता यकीनी तौर पर उसके पेट से होकर जाता है। इन दस्तावेजात में कहा गया है कि रेलवे के रास्ते को यमन तक बढ़ा दिया जाएगा। जाती तौर पर अपनी मोहर देख सकते हैं। महमूद पाशा को गिरफ्तार कर लीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। आ जाओ यहाँ, हिम्मत है तो आगे बढ़ो। तुम्हारे पहुंचने से पहले हम जहाज को तबाह कर देंगे। अगर हम ये कहें जनाब हेकलर कि उस जहाज में हमारा एक जासूस मौजूद था, जहाज के बंदरगाह पे लंगर अंदाज होने से पहले ही हमारा जासूस वो मुआहिदा हमारे पास ले आया। इस मुआहिदे के मुताबिक अकबा उस्मानियों का है। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा फरार हो गए। सिपाहियों ने उनके घर की तलाशी ली, लेकिन वो उन्हें तलाश न कर सके। बारूद ले जा रहे हैं। कहां से लिया है ये? जो जहाज लंगर अंदाज हुआ है उससे। कहां ले जा रहे हो इसे? तैयार हो जाए, हम जा रहे हैं। कहां? ऐसी जगह जहां आपको कोई भी तलाश ना कर सके। यकीनन मैं तुम्हें अपनी मदद करने दूंगा, लेकिन सबसे पहले वो जुल्फलु पाशा, उसने मुझे इस्तेमाल किया हो या ना किया हो, मुझे उसके बारे में जानना होगा। देखिए शहजादे, बहार का मौसम आ रहा है। तमाम शाखें सरसब्ज और शादाब नजर आ रही हैं। अगर हम अपने बाबा की जगह होते तो यहाँ रंग बिरंगे फूल लगवाते, वो बहुत अच्छे लगते। ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई भी खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं है शहजादे। इसीलिए हमें इन पौधों को इनकी खूबसूरती से ज्यादा इनके फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वक्त आने पर खूबसूरत फूल भी मुरझा जाते हैं, जैसे इंसान बूढ़ा हो जाता है। आप चाहे बूढ़ी हो जाएं, फिर भी खूबसूरत लगेंगी। हर दौर की एक अलग खूबसूरती होती है शहजादे। देखें, ये पौधा कनीर का है। इस पर कलियां भी हैं, क्या आप देख सकते हैं? वक्त आने पर ये कलियां खिलेंगी और फूल बन जाएंगी। फिर ये फूल मुरझा जाएंगे और हम इन्हें जमा करके शिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे। वालिदा, आप इतना अच्छा समझाती हैं, दिल करता है सुनता रहूं। शहजादे, मौलिमा आ गई हैं। बहुत खूब। शहजादे, अल्लाह आपको जहानत अता फरमाए। वालिदा, अल्लाह खुश रखे आपको। आपकी बाबा के साथ फिर कभी नाराजगी ना हो। आप फिर कभी न रोएं। इंशाल्लाह बेटा, चलिए।
नाइमे, खुशामदीद बेटी। वालिदा, आपका चेहरा क्यों जर्द हो रहा है? हम अभी बात नहीं करना चाहते, बराए करम कुछ ना पूछिए। गुलजमाल, क्या हुआ है बेटी? क्या तामगाह में कोई मसला हुआ है? नहीं सुल्ताना, वहां कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है? आप लोग कहीं और भी गए थे क्या? सुल्ताना, हम उनकी पसंदीदा जगह गए थे। कमालुद्दीन साहब ने हमें पैगाम भेजा है, वो नाइमी से मिलना चाहते हैं। जिस बाग में वो हमेशा मिला करते थे, वहीं नाइमी का इंतजार करेंगे। खलील खालिद साहब। पाशा, परेशान मत हो, मुआहदे की नकल हासिल कर ली है। जब आप लोग दहशतगर्दों से लड़ रहे थे तो जहाज पर मौजूद वो जासूस वो नकल हमारे पास ले आया। अल्लाह का शुक्र है। सुल्तान मौसम, मुनासिब वक्त आने पर आपसे खुद बात करेंगे। पाशा, बंदरगाह पे बग्गियों में बारूद ले जाया जा रहा था। जब मैंने तफ्तीश की तो दो सिपाही आए और कहने लगे कि वो बारूद अस्करी तरबियत गाह ले जा रहे हैं। क्या अस्करी तरबियत गाह के लिए बारूद मंगवाया गया है, आपको कुछ मालूम है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन मैं खुद इसकी तहकीक करवाऊंगा। जरूरत नहीं है पाशा, जरूरत नहीं। बग्गी से दो सिपाही बाहर आए थे, एक आम सिपाही था और दूसरा कप्तान। सिपाही ने कप्तान को ऐसे इशारा किया जैसे वो उसे हुक्म दे रहा हो। शायद वो दोस्तों चाचा। पहले मैंने भी यही सोचा था। ये उस्मानी फौज है, रियासत आलिया की फौज। वो दोस्तों के अगर भाई भी हो तब भी उन्हें अपना मकाम मालूम होना चाहिए। ये फौजी एजाज का मामला है, कोई शहर में बारूद लेकर आया है। बदकिस्मती से पाशा, ऐसा लगता है कि बंदरगाह पर अफरा तफरी का फायदा उठाने वाले सिर्फ हम ही नहीं है बल्कि और लोग भी हैं। खलील खालिद साहब, इसकी फौरी तहकीकात करवाएं। वो यूं ही शहर में बारूद नहीं लाए। फिक्र मत कीजिए पाशा। मैं बगैर किसी नुकसान के बारूद ले आया हूं। पहली बार मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था कि तुम बासलाहियत हो। आपकी तवज्जो का शुक्रिया जनाब। अगर हम उस मुआहदे की नकल से महरूम ना होते तो ये और भी बेहतर होता। क्या तुम ये जानते हो कि वो मुआहदा किस बारे में था? नहीं, मुझे आपने ही बताया था कि वो अहम है। खूब, बहुत खूब। जिस चीज के लिए मैं कहूं अहम है, समझना क्या अहम है, और जब मैं कहूं कि गैर अहम है, वो तुम्हारे लिए गैर अहम होनी चाहिए। जी बिल्कुल जनाब। तुम दोनों यहां आओ। ये क्या किया? ये दोनों मेरे आदमी थे। हाँ, अहमद मत बनो नामिक। मैंने उन्हें मार डाला क्योंकि मैंने एहतियाती तदबीर इख्तियार की है। तुम जा सकते हो, थक गए होगे। अब तुम्हारे पास रकम है, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। और हां, अपना मुंह बंद रखना। मोहब्बत और खुलूस से भरा मेरा सलाम कबूल कीजिए। मैं हर पल आपकी याद में महफ रहता हूँ सुल्ताना।
एक बार फिर मुझे एहसास हुआ है कि मैं आपके बगैर कभी खुश नहीं रह सकता। मेरे इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है, लेकिन मैं पेरिस में तन्हा हूँ। मेरे दिल का सुकून आप हैं सुल्ताना। मैंने कल आपके शौहर को पैरा में देखा था, लेकिन उनसे मिल नहीं सकी, उनका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। क्या कहा कल? ताहम ये नामुमकिन है, अली नूरुद्दीन पेरिस में है। क्या ऐसा है? अल्लाह अल्लाह, वो बिल्कुल उन जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, ऊंचा कद, हत्ता कि उस शख्स ने कीमती लिबास भी पहन रखा था। लगता है गलतफहमी हुई थी, आप हमारी तरफ से शुक्रिया कह देंगी? आ जाएं। ज़किया सुल्तान। कहिए बेदार सुल्तान, सब खैरियत तो है ना? हमने जाती तौर पर आपसे दरख्वास्त की थी, क्या आप नाइमे को वो पैगाम नहीं देंगी? अगर आप कमालुद्दीन के पैगाम की बात कर रही हैं, तो हमने वही किया है जो आपने कहा था, हमने नाइमे को वो नहीं दिया। तो फिर आपने उन्हें बताया होगा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं? नहीं, हमने तो इस बारे में कोई बात नहीं की अपनी बहन से। कुछ हुआ है क्या? आपने इस तरह क्यों सोचा? नाइमे कमालुद्दीन साहब से मिलने गई थी। लेकिन उन्हें ये कैसे मालूम हुआ? हमें नहीं मालूम। अच्छा, तो उन्होंने कमालुद्दीन साहब से क्या बात की, कुछ बताइए। हम भी यही जानते हैं बस, क्योंकि नाइमे हमें कुछ नहीं बता रही। उनकी आंखें सुर्ख हैं और उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। जिसका डर था वही हुआ, कमालुद्दीन ने दोबारा हमारी बेटी को परेशान कर दिया है। आपके एक मेहमान आए हैं पाशा, वो अंदर इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। महमूद पाशा। हाँ पाशा। आपको हर जगह तलाश किया जा रहा है। पाशा, मैं आपको हर चीज की वजाहत दूंगा, हर चीज की। पाशा देखें, मेरे साथ ये सब कुछ तहसीन पाशा ने किया है, मुझ पर बोहतान लगाया है। वो हमेशा ही मुझसे हसद करते रहे हैं, आप जानते हैं, इसी हसद में ये सब किया है। पाशा, आप सुल्तान के वफादार पाशा हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए आप उन्हें मेरे बारे में अभी बताना चाहते होंगे, मैं जानता हूँ। लेकिन आपसे एक दरखास्त है, आप मुझे सिर्फ 4 घंटे की मोहलत दीजिए, 4 घंटे की। मैं हर चीज की वजाहत कर दूंगा, मैं अपनी बेगुनाही के सबूत जमा करूंगा और सुल्तान मौजम के सामने पेश करूंगा। ये सुल्तान मौजम के लिए भी अच्छा होगा पाशा। पाशा, आप जब तक चाहें यहाँ कायम कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही अहम दस्तावेज लेने के लिए आया था, मैं वापस महल जा रहा हूँ, इजाजत दीजिए। बिल्कुल पाशा, बिल्कुल। पाशा। हाँ। मुझे आप पर भरोसा है, हकीकत एक न एक दिन जरूर वाजे हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छी उम्मीद रखिए। शुक्रिया पाशा, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे पाशा, अल्लाह आपका भला करे पाशा। महमूद पाशा को यहां से नहीं जाने देना, अगर वो जाना चाहे तो उन्हें रोकना, वो लजीज खानों के शौकीन है। अब मैं उनकी मुखबरी करने महल जा रहा हूं। जैसे आपका हुक्म। हाँ, ज़ुल्फ़लू इस्माइल पाशा, देखते हैं कि क्या आप मेरी खबर देते हैं या नहीं। अगर आप जाकर मुखबरी करते हैं तो मतलब वो राज आपने फाश किया और मुझे भी जाल में फंसाने वाले आप ही हैं। देखते हैं ज़ुल्फ़लू पाशा, देखते हैं। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा यमन वाले मामले का राज फाश करके क्या मफाद हासिल कर सकते हैं? हमें नहीं मालूम पाशा,
लेकिन उन्होंने ये मालूमात जाहिर की हैं और हमेशा की तरह फरार हो गए हैं। सुल्तान मौसम, सदर आजम फरीद पाशा को महल में मधु किए जाने से दीगर पाशा हजरात पर असर पड़ा है। हो सकता है कि महमूद पाशा ने यह सोचा हो कि अब उनके पास कोई अहम ओहदा नहीं होगा। रियासत की खिदमत के लिए ओहदे का होना जरूरी नहीं पाशा। एक वक्त था जब महमूद पाशा ने गलत रास्ते का इंतखाब किया था, वो पशेमान थे और हमने उन्हें माफ कर दिया था। अगरचे हमें इसकी वजह नहीं मालूम, लेकिन दुश्मन ऐसे ही लोग ढूंढता है। हेकलर अगरचे हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन उसने पसे पर्दा हमारे खिलाफ किसी और को भी शामिल किया होगा। सुल्तान मौसम, लोग दुश्मनों की बातों में क्यों आ जाते हैं और गद्दारी के लिए रजामंद हो जाते हैं, मैं समझा नहीं। गद्दारी के लिए आपको आमादा क्यों नहीं किया जाता पाशा? वो आपके पास क्यों नहीं आते? सुल्तान मौसम, मैं रियासत से मोहब्बत करता हूँ और आप पर यकीन रखता हूँ। नहीं पाशा, वो आपकी वफादारी को खरीद नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी वफादारी हमें फरोख्त नहीं की है। अपनी वफादारी के एवज किसी चीज का मुतालबा नहीं किया, आपने कोई फायदा नहीं उठाया। तो हम दीगर हजरात अपनी वफादारी की कीमत हासिल करना चाहते हैं। ओहदा चाहिए, उन्हें शोहरत चाहिए। आपने हमें अपनी वफादारी फरोख्त नहीं की, इसलिए किसी और को भी नहीं करेंगे। इस्माइल पाशा, फियादा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको खबरदार करने के लिए आई हूँ। आप महमूद पाशा की मुखबरी करने के लिए जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। उन्हें आप पर शक है और वो इसीलिए आपके घर आए हैं। अगर आपने उनकी मुखबरी की तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि उन पे बहुतान लगाने वाले आप हैं। अकलमंद आदमी है, खुद इतनी बड़ी मुसीबत में है, फिर भी मेरा इम्तिहान लेना चाहता है। आप ऐसा मत करें। जब वो आप पर शक करना खत्म कर देंगे, फिर महमूद पाशा को इस्तेमाल करूंगी मैं और तब वो हमारे साथ होंगे। ठीक है। आ जाइए नाइमे बेटी। आ जाइए वालिदा। प्यारी बेटी, हम जानते हैं कि आप बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हम रोक नहीं सके खुद को। जो भी हुआ है हमें बताइए नाइमे। आप कमालुद्दीन से मिलने गई थी, क्या हुआ बताइए ना? उन्होंने ऐसा क्या कहा कि आप अफसुर्दा हो गई? कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमें नहीं देखा। क्या मतलब नहीं देखा? क्या आप उनसे मिलने नहीं गई थी? गए थे, बाजी से बात करते हुए सुना था आपको। हम खुद को रोक नहीं सके और चले गए, लेकिन करीब नहीं जा सके। हमने दूर से देखा उन्हें। जब आप वहां चली गई थी तो उनसे बात क्यों नहीं की? क्योंकि हमें खुद पर एतबार नहीं है वालिदा। हम उनसे बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्सा है उनसे। लेकिन उन्हें देखकर हमारा गुस्सा खत्म हो गया तो क्या होगा? बस इसी डर से उनके करीब जाने की जुर्रत नहीं कर सके हम। हमारी प्यारी बेटी, एक दिन आप उन्हें माफ कर देंगी और आपका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। जब वो दिन आएगा तो आप उन्हें अपनी कमजोरी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए माफ करेंगी क्योंकि आपके लिए उनकी कोई अहमियत नहीं होगी। यकीन कीजिए, बिल्कुल किसी पुराने जख्म की तरह जिसमें तकलीफ नहीं होती, कमालुद्दीन भी ऐसे जख्म की तरह रह जाएंगे। इंशाल्लाह वालिदा, इंशाल्लाह। यहाँ आए।
मेरी जान खतरे में है, किसी भी वक्त मार देंगे मुझे। फिक्र मत करो, तुम्हें बचाने ही आया हूं। जनाब ब्रेन, हम साथ जाएंगे। क्या हम हमला करेंगे? नहीं, हम उनका ताकुब करेंगे। क्या रास्ता साफ है सलीम? साफ है। इन पे नजर रखना, मैं अभी वापस आता हूं। मरहबा। सुबह बखैर। मेरा सामान निकाल दिया आपने? जी बिल्कुल। तुम भी उन्हीं में से एक हो, है ना? किन में से? वो जासूस जो बरतानवी सिफारत खाने के मौसेस अराकीन का ताकुब करते हैं। नहीं तो, मैं उनमें से हरगिज नहीं हूँ। तो फिर उस्मान के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ना मैं उनको जानता हूँ, ना ही मेरा उनसे कोई वास्ता है। सामान तैयार है आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या ये अक्सर यहाँ आती है? जी हाँ जनाब, और ये हमें जानती है। अच्छा है, सबको मालूम होना चाहिए ताकि हर कोई बेचैन रहे। आपने क्या किया जनाब? सुल्तान मुअज्जम ने क्या कहा? मुहायदे की नकल महल में है, अब वो मामला खत्म हो गया। लेकिन मैं एक और मसले के बारे में बात करने आया हूँ। वो जो बंदरगाह पर फौजी बारूद ले जा रहे थे, तुमने देखा था ना? जी देखा था। वो बारूद अस्करी तरबियत गाह नहीं बल्कि किसी और मकसद के लिए ले जा रहे थे। फौजियों की वर्दी में बलबूस, वो उनके आदमी थे। हमें उन्हें तलाश करना जरूरी है, मगर कैसे ये मुझे नहीं मालूम। मैंने भी उन्हें पहले कभी नहीं देखा। किस कौमियत से हैं या किस मजहब से हैं, कुछ मालूम नहीं। के ईसाई हैं, मुसलमान या फिर यहूदी। वो उन्हें वैसे भी मार चुके होंगे, उन्होंने कोई सुराग भी नहीं छोड़ा होगा। अल्लाह आपकी जान पर रहम करे। ये किसने कहा था जनाब? उस आदमी ने कहा था कि अल्लाह आपकी जान पर रहम करे। अल्लाह आपकी जान पर रहम करे, याद आया। अल्लाह आपकी जान पर रहम करे, वो आर्मेनी थे जनाब। उसने आर्मेनी जबान में सोचा और हमारी जबान में बोला। तो ये बिल्कुल वाज़े है, ये आर्मेनी लोगों का रिवाज है। उनकी आखिरी रसूमात घरों में ही रखी जाती हैं। हम इतने मकानात में उन्हें कैसे तलाश करेंगे? मैं जानता हूँ, हम खुली हुई खिड़कियों वाले घरों को देखेंगे। आर्मेनी अकीदे के मुताबिक वो दरवाजे और खिड़कियाँ खोलते हैं ताकि फरिश्ते आकर मरने वाले की रूह को ले जा सकें। ज्यादातर लोग सर्दियों में खिड़कियों को खुला नहीं छोड़ते। फिक्र मत करें जनाब, हम ढूंढ लेंगे। आ जाओ। जनाब हेक्लर। क्या हुआ? जैसा सोचा था वैसा ही। अहमद पाशा रॉबर्ट और ब्रेन को किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहा है। अगर वो पाए तख्त से निकल गए तो हम उन्हें दोबारा नहीं ढूंढ पाएंगे। फिक्र मत करो तुम, वो बाहर नहीं जा पाएंगे। पहले ही हमला कर दोगे तुम? मुझे पहले ही उन्हें मार देना चाहिए था, उस वक्त ये ज्यादा आसान था। नहीं नहीं नहीं, तुम कत्ल नहीं करोगे, बस हमला करोगे। रॉबर्ट को वापस महल भेजना है। ये लो। ये क्या है? रॉबर्ट को दे देना, ये तहरीरी हुक्मनामा है। ये तो पिस्तौल है। हाँ, काफी छोटी है लेकिन कारगर है। इसमें लिखा है कि गोली किसको मारनी है। क्या मंसूबा है आपका? कोई एक मंसूबा नहीं है, एक के बाद एक इकदाम करने होंगे, उस वक्त तक जब तक अब्दुल हमीद मर नहीं जाता।
पाशा, यकीनन आपको भूख लगी होगी, मैंने खाना तैयार किया है। मुझे भूख नहीं है बेटा, ले जाओ ले जाओ। मैंने मुर्गी तली है पाशा, शायद आपको पसंद हो। तली हुई मुर्गी? अल्लाह, लेकिन ये खाने का वक्त नहीं है। देख रहे हो ना किस हाल में हूं, वरना तली हुई मुर्गी खाने से कभी इनकार ना करता। ले जाओ बेटा इसे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। पाशा, 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 मैं महल में अपना काम खत्म करके आ गया हूं। क्या वाकई? खैर तो है पाशा, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? सिपाहियों को। सिपाही? क्या वो मुझे लेने नहीं आएंगे? सिपाही आपको क्यों लेने के लिए आएंगे? क्या आपने महल जाकर मेरे यहां होने की इत्तला नहीं दी? पाशा मैं ऐसा क्यों करूंगा? पाशा आपको मेरी बात का एतबार करना चाहिए, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। आह, ज़ुल्फ़ुल इस्माइल पाशा, आप किस कदर इंसाफ पसंद और कितने अच्छे इंसान हैं। आज और अभी से मुझे आप पर पूरा एतमाद है। मैं आपको इसी वक्त गले लगाना चाहता हूं। आह पाशा, आह, आप बहुत इंसाफ पसंद इंसान है पाशा। अब मैं चलता हूं। जरूर, लेकिन आप जाएंगे कहां पाशा? हाँ, मेरे पास एक नौ उम्र लड़की की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन आप एक बहुत इंसाफ पसंद इंसान हैं पाशा। अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह आपका भी भला करे पाशा। चलता हूं मैं। आपको जल्द मुंतकिल कर दिया जाएगा, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, ये बस्ते रकम से भरे हुए हैं। जहां भी जाओगे इनसे अपने लिए मकान खरीद सकते हो। हम वक्तन फवक्तन रकम भेजते रहेंगे। मैं सुल्तान मौज़म की मजीद खिदमत करना चाहता हूं। तुमने पहले ही बहुत खिदमत की है, अब सूरत हाल संगीन हो चुकी है। सलीम, क्या वो अब तक नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए। चलो शुरू कर, बस किसी को गोली ना लगे। निकलो निकलो, बाहर निकलो। वो मुझे मार डालेंगे। फिक्र मत करो, तुम नहीं मरोगे। रॉबर्ट, ये पिस्तौल लो और मदद करो हमारी। सलीम, तुम ब्रेन को यहां से बाहिफाजत ले जाओ। ठीक है, चलो। पहले कि उन्हें शक हो, मुझे बताओ कि क्या करना है। जनाब हिटलर ने तहरीरी हुक्म भेजा है। ये लो।
मैं ये नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? ये करना तुम पर फर्ज है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन महल में दाखिल होते वक्त तलाशी ली जाएगी। मैं इसे अंदर नहीं लेकर जा सकता। तुम बस इसे महल में पहुंचा दो, फिर हुक्म की तामील करूंगा। ठीक है। वो बिला आखिर मुझे ढूंढ निकालेंगे और मार देंगे। मैंने कहा है ना कि फिक्र मत करो। उन्होंने यहां भी ढूंढ लिया मुझे। अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या रॉबर्ट मिल गया? नहीं पाशा, वो नहीं मिले। उसकी तलाश जारी रखो, चलो जाओ। मार डाला होगा उसे। कहां थे तुम? मैं छुप गया था। क्या आप लोग ठीक हैं? हम ठीक हैं। पिस्तौल दो। अपनी हिफाजत के लिए रखना चाहता हूं इसे। हम यहां से महल जाएंगे, मेरे साथ तुम वहां पर महफूज हो जाओगे। डरो मत। अब मुझे पिस्तौल दो। जनाब हेक्लर, फियादा साहब आई हैं। आने दो उन्हें। आओ बेटी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैंने महमूद पाशा को रासी कर लिया है, अब वो हमारे हाथों में है। आफरीन है आप पे। एक कमांडर की कामयाबी का दारोमदार उसके लिए लड़ने वाले फौजियों के इंतखाब पर होता है, और आप एक बेहतरीन सिपाही हैं। आप अपने हाथों से पत्थर जमा करके मेरे हवाले कर रही हैं, और उन पत्थरों को अब्दुल हमीद के चेहरे पर फेंकूंगा मैं, कुचल दूंगा उसे। लेकिन कब कब होगा ये सब कुछ? जल्द होगा, थोड़ा इंतजार। अभी बस आपका काम महमूद पाशा का वक्त जाया करना है। उसे महल से दूर रखिए, जहां सिपाही गश्त कर रहे हो ऐसी जगहों पर लेकर जाए। यकीन दिलाएं कि मतलूब है वो। इस शहर में उसके लिए छुपने की कोई जगह बाकी नहीं, और फिर शहर से फरार करवाने का कह दीजिएगा। महमूद पाशा को अगवा करेंगे हम? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मर जाएगा। हमारे मंसूबे की कामयाबी का दारोमदार उसकी मौत पर है। मैं पायतख्त में अब्दुल हमीद और उसकी सल्तनत को खत्म करने आया हूं, और आप इस मंसूबे में मेरी मदद करेंगे। ताबूत सकीना, मस्जिद अक्सा में है, और मस्जिद अक्सा जब तक उस्मानी सरजमीन में है तब तक ना ही आप और ना ही हम अपने मकासिद हासिल कर सकते हैं। मैडम, क्या मस्जिद अक्सा के आसपास की दुकानों को खरीदने के लिए रकम तैयार है जो गुलजमाल को देनी है? जी मैडम, मैंने गुलजमाल के नाम पर बैंक में खाता खुलवाया है। रकम चंद दिन में उसके खाते में डलवा दी जाएगी। हाँ, और आपके मेहमान भी आ गए हैं, क्या अंदर ले आओ उन्हें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अंदर लेकर आओ। आइए जनाब आंद्रे, खुश आमदीद। मादाम,
मार्को, आंद्रे को यहाँ पर लाने के लिए बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशकिस्मती है। अन्ना, आंद्रे आज के दौर के सबसे बड़े और मशहूर साइंसदान है। मैंने आपका नाम सुना है, पाया तख्त में खुश आमदीद। मेरा यहाँ आना इस शहर के लिए खुश आइंद नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने साथ एक बहुत बड़ा हथियार लेकर आया हूँ। हथियार? ये वो हथियार नहीं जो तुम समझ रही हो अन्ना, ये कीमियाई हथियार है। आंद्रे एक ऐसा जहर बनाएंगे जिसकी मदद से हम उस्मानी सरजमीन पर बहुत खतरनाक वबा फैला देंगे। ये वबा उस्मानी फौजियों को खत्म करके रख देगी और साथ ही साथ शाही खानदान को भी और वफादारों को भी। खैरियत तो है उस्मान, क्या तुम दयाना को देख रहे हो? तुम क्या कह रहे हो आसिफ? तौबा तौबा, दयाना की बात कर रहा हूं उस्मान, उसने मारा था ना तुम्हें। किसने कहा है ये? मुझे नादिर साहब ने इशारों में बताया था। शुक्रिया नादिर साहब, आपने आसिफ को बोलने का मौका दे दिया, शुक्रिया। शुक्र है कि आप आ गए जनाब, आप मालूमात हासिल करने चले गए और हमें दुकान की चौकीदारी पर बैठा दिया। ये दुकान मेरे लिए बहुत कीमती है, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यही काम करूंगा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता तो दुकान का ख्याल कौन रखता? बताओ दातार, बताओ क्या तुम्हें कुछ मिला? जी मिला है जनाब, दो मकानात हैं, दोनों की खिड़कियां खुली हुई थी, दोनों ही घरों में अमवात हुई थी। ठीक है, दुकान बंद करो, हम जा रहे हैं। ठीक है, मैं उस्मान के साथ जा रहा हूँ, तुम नादिर साहब और आसिफ के साथ जाओ। और जनाब वो घर आमने सामने है, हमें मोहतात रहना होगा, मैयत की बेहरमती ना हो। अगर जे मरने वाले मुजरिम थे मगर उनके घर वाले तो मासूम हैं, मैयत का घर है वो, किसी को परेशान नहीं करेंगे हम। ठीक है चाचा, तुमने सुना आसिफ, मोहतात रहना और फजूल मामलात में दिलचस्पी नहीं लेना। शहजादी, रफीक साहब को पता मिल गया है जो आपको मतलूब था, ये लीजिए। हमारी तरफ से उन्हें शुक्रिया कह दीजिएगा और इस बारे में किसी को कुछ मालूम ना हो, आप जा सकती हैं। आ जाइए। ज़कीय सुल्तान, बात कर सकते हैं? कहिए बेदार सुल्तान, क्या फिर कोई मसला हुआ है? हम आपसे मुआज़रत करने आए हैं। जब हम दोनों उस वक्त बात कर रहे थे तो नाइमे ने हमारी बातें सुन ली थी। हम गलत थे, हमें लगा आपने उन्हें बताया है, माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, नाइमे क्यों परेशान थी, क्या आपको इस बारे में कुछ मालूम हुआ? उन्होंने कमालुद्दीन साहब से क्या बात की? उन्होंने कोई बात नहीं की, नाइमे उनसे मिले बगैर ही वापस आ गई। वैसा ही हुआ जैसा आप चाहती थी, अगर यही फैसला आप नाइमे पर छोड़ देती तो भी यही नतीजा निकलता। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी बेटी के लिए बिल्कुल दुरुस्त हो। जो आपको ठीक लग रहा है, हो सकता है नाइमे के लिए वो गलत साबित हो। ज़कीय सुल्तान, आपकी भी तो एक बेटी है, क्या आप उन्हें किसी ऐसे शख्स से मिलने देंगी जो उन्हें तकलीफ दे? हम अपनी बेटी से कहते कि हम हर सूरत में उनके साथ हैं और फैसला उन्हें खुद करने देते। हम नहीं चाहेंगे कि वो गमजदा होने के खौफ से खुशी का मौका गंवा दें। नहीं,
नायमे का कमालुद्दीन के साथ खुश रहने का कोई इम्कान नहीं। आपका फैसला बिल्कुल वाज़े है बेदार सुल्तान। सनिया फुप्पो ने हमें बताया था कि आप अब्दुल कादिर और नायमे की जिंदगी में बहुत मुदाखलत करती हैं, और ऐसा ही है। आप लोग हमारी गीबत करते रहे हैं। हम जब भी अब्दुल कादिर और नायमे की बात करते हैं तो मौजू आपकी तरफ ही आ जाता है। उनकी जिंदगी के फैसले आप ही करती हैं, लेकिन दोनों की शादी बदकिस्मती की नजर हो गई और वो नाखुश हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो जो कुछ हुआ उससे सबक हासिल करते। ये तो बहुत अच्छा है, फौजी अफसर है ना। ओहो, बहुत अच्छा है। तो अब आप महल से कब जाएंगी? जितना जल्दी मुमकिन हो सके। सुल्ताना ने कहा है कि इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये वाकई बहुत अच्छा है। मैंने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। वैसे कसम से तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है मिजियत। बहुत जल्द महजियत चली जाएगी और तुम फिर एक बार मेरे हो जाओगे शहजादे। सुल्तान मौसम, हम ब्रिन से मिले लेकिन इंतजार के दौरान उन्होंने हमला कर दिया। क्या ब्रेन और रॉबर्ट ठीक हैं? वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सफर मनसूख कर दिया। बर्तानवी जरूर जान गए होंगे कि रॉबर्ट जिंदा है। ये मुमकिन है, उन्होंने हमले के दौरान जरूर उसे देख लिया होगा। उन दोनों ने हमारे लिए काम किया है पाशा, हम उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उनके मुंतकली के लिए इंतजाम करूंगा। ठीक है, आप ये डब्बा महल में रॉबर्ट को देंगे। इसके अंदर क्या है? अपने प्यारे को खोने के बाद इंसान को एहसास होता है, लिहाजा अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उन्हें जाने मत दीजिए। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बुजदिली है। शहजादे को हासिल करने से तुम डर रही हो। सुल्ताने मौज़म पर काफी ज्यादा हमला हुआ है।